तो आप लोगों में से ऐसे कई टीचर होंगे जो 10 साल से ज्यादा अनुभव के होंगे, तो बस मैं जानना चाहता हूँ कितने टीचर हैं जो 10 साल से ज्यादा अनुभव रखते हैं उस विषय की पे। काफी एक्सपीरियंस लोग हैं और 10 से ज्यादा मतलब 10-15 सब हैं, 10 से कम वाले बाकी सब हैं। तो हम लोग अगर कुछ सबसे पहले जो फॉर्मेलिटीज है कि हम लोग स्टेट सीनियर्स है वो नहीं जो लाने टीचिंग एक्सप्रेस में नए लोग हैं, कितने लोग जानते हैं स्टेम इन एजुकेशन STEAM या इसके बारे में पता है? जैसे ये बोर्ड पे तो आपको दिख ही रहा होगा तो ये पता चल चुका है कि ये क्या है, लेकिन अब एज ए करिकुलम बच्चों के बीच में क्लास 3 या 4 के बाद या 1 to 12 मान लेते हैं 1 to 12 में हमारे करिकुलम में स्टेम कितना इम्पैक्ट है, कितना प्रेजेंट है और कितना एब्सेंट है, इसके बारे में, क्योंकि मैं एक रिसर्च लैब से हूँ, मेरा देखने का एक अलग नजरिया है। मैं यहाँ पर ज़्यादा बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए, बिकॉज दिस इज एन इंटरेक्टिव सेशन, तो आप लोगों को आपस में ही बताना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 10 साल से कम के अनुभव वाले टीचर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में कोई अपना उठाकर या आगे बढ़कर बताना चाहे अभी के मौजूदा करिकुलम में हाउ मच दिस टॉपिक इज रिलेवेंट और प्रेजेंट। रिलेवेंस अलग चीज हो गया, प्रेजेंट तो हम जानना चाहेंगे प्रेजेंट है कितना, प्रेजेंट है ये हमारे सिलेबस में या बच्चों के बीच में। कोई भी 2 या 3 आदमी बता सकता है अपने अनुसार, इच्छा अनुसार, प्लीज पार्टिसिपेट। It's all confluence of all the subjects. School activities are conducted.